हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानंद सामल, उड़ीसा से, एक टूटा हुआ और अकेला इंसान। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्मा क्या होता है। कर्मा यानी कर्म। दोस्तों, हम कर्म उससे समझते हैं जो हम हर रोज़ काम करते हैं। मान लीजिए, एक एग्जांपल के लिए, कोई लड़का पानी में डूब रहा है, हम जाके उसे बचाते हैं, तो हम उसे कर्म समझते हैं, पर असल में कर्म वो नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए, एक लड़का पानी के पास खड़ा है और एक इंसान आके उसे धक्का देता है, पर वो ये सोच के धक्का देता है कि अगर मैं इसे धक्का दे दूँ तो ये तैरना सीख जाएगा और बाद में कभी इसको अपने काम में लाएगा। पर उसी जगह एक दूसरे इंसान आता है और उसे धक्का देता है, पर वो ये सोच के धक्का देता है कि अगर मैं उसे धक्का दे दूँ तो वो मर जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना, इन दोनों की सोच में फर्क है। एक इंसान अगर तैरना सीखने के लिए धक्का दे रहा है, अगर इस समय वो इंसान मर भी जाता है पानी से डूब के, तो वो इंसान को पाप नहीं लगेगा। पर दूसरे वाले इंसान को, जो ये सोच के धक्का दिया था कि वो मर जाएगा, उसको जरूर पाप लगेगा, भले वो इंसान ना मरे। तो आप समझ पा रहे हैं ना, कर्मा क्या होता है। कर्मा सिर्फ हमारे कर्म नहीं होता, कर्मा वो होता है हमारी सोच, हमारी मकसद और हमारी किए हुए फिजिकली वर्क्स। इन तीनों को मिलके कर्मा बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए।